साल का जो प्रक्रिया है, 10 साल का जो प्रोसेस है, जो आप केस को झेल रहे हो, वही आपकी असली पनिशमेंट है। पनिशमेंट उसमें आपके पैसे, आपका मानसिक सुख शांति, सामाजिक रिश्ते, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इस चक्कर मुकदमा करने की कोशिश करें तो पहले तो बेल की सबसे बड़ी समस्या है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बेल नहीं मिलेगी तो जेल जाना पड़ेगा, फिर बेल मिल भी गई तो उसका जो ट्रायल है, उसका जो वेरियस प्रोसीजर है, उसमें 10 साल लगने, 10 साल में कम से कम 100-150 पेशियां लगनी है। तो आसान चीज नहीं है हमारे केस में क्रिमिनल ट्रायल चलना। और मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे केस में जो पनिशमेंट होता है ना हमारे सिस्टम में, वो कन्विक्शन के बाद नहीं होता, वो जब आप मुक्त कर रहे हो तभी वो पनिशमेंट है आपके लिए। कि किन केसों में आप 482 को हर बार आप डाल सकते हो, लेकिन जीतोगे कि नहीं जीतोगे उसका क्या टेस्ट, वो जीतने का टेस्ट ये है कि लिमिटेड तरीके से कोर्ट एक दो पन्ने देखते ही अगर कोर्ट को समझ में आ जाए कि भैया ये तो केस तो बनता ही नहीं है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इस देश में कोई FIR होती है तो FIR तो 2 घंटे में रजिस्टर हो जाती है, लेकिन उस FIR को खत्म करने में 10 साल लगते हैं। तब एक बात आती है, कानून का प्रावधान 482 CRPC। कहा जाता है कि हाई कोर्ट में इनहेरेंट पावर है आपके खिलाफ, अगर झूठी FIR हो गई है, आपके खिलाफ बेवजह की कंप्लेन हो गई है। और 11 जनवरी 2024 का एक बहुत बड़ा दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल FIR को रद्द किया बल्कि झूठी FIR करने वालों पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। तो 482 की आखिर पावर क्या है, इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट, और इसके बाद अगर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुनील फर्नांडिस साहब जुड़ गए हैं। 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है, अभी हाल फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीनियर डेजिग्नेट नियुक्त किया है और बेहतर केसेस करते रहे, हाई प्रोफाइल केसेस करते रहे और कई मामलों में तो एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट सहायक सुप्रीम कोर्ट में पेश रहे होते रहे। सुनील सर, 482 यानी बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपके झूठा खिलाफ मुकदमा हो गया, आप 10 साल आप निचली अदालत में जा रहे हैं, 10 साल आप भटक रहे हैं, 10 साल परेशान हो रहे हैं, लेकिन 482 की पावर का इस्तेमाल करके आप हाईकोर्ट को अपनी बता सकते हैं कि झूठी FIR है। तो थोड़ा सा इस कानून के बारे में बताइए, कैसे आम आदमी एक FIR को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगा। सर जी, विप्र जी, आपने बहुत ही एक ज्वलंत और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, क्योंकि ये 480 क्योंकि हमारे देश में जो सबसे तकलीफ देते हैं जो मुकदमे हमारे नागरिकों को, वो एक क्रिमिनल मुकदमे, फौजदारी के मुकदमे जी। और एक एक खुशी की बात है नहीं, बड़ी दुख की बात है, और उसमें हम वकील लोग और आम जनता भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि कई तरीके होते हैं FIR दर्ज करने के, और सारे के सारे वो कानूनी तरीके नहीं होते हैं। एंड ये बहुत ही दुख की बात है, ये मतलब रियलिटी है, इस रियलिटी से हम अपना मुंह फेर नहीं सकते इस सच्चाई से। तो FIR दर्ज हो जाता है, कई कई जेन्युइन केसों में FIR दर्ज नहीं होता, और बहुत सारे फर्जी केसों में जहाँ पे केस नहीं बनता है वहाँ पे FIR दर्ज हो जाता है। अब बहुत बार पुलिस क्या करती है, अपना पल्ला झाड़ने के लिए कि भाई FIR दर्ज कर लो, फिर बाद में कोर्ट देखेगी, हमारे सर से तो बात चलेगी। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिस्टम है, FIR जेन्युइन केसेस में दर्ज होती नहीं है, और जो जेन्युइन केसेस नहीं है वहां तुरंत दर्ज हो जाती है। तो अब जो अक्यूज्ड है उस FIR में वो क्या करे, आपने सही बोला, अगर मुकदमा करने की कोशिश करे तो पहले तो बेल की सबसे बड़ी समस्या है, बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी तो जेल जाना पड़ेगा, फिर बेल मिल भी गई तो उसका जो ट्रायल है, उसका जो वेरियस प्रोसीजर है, उसमें 10 साल लगने, 10 साल में कम से कम 100-150 पेशियां लगनी है। तो आसान चीज नहीं है हमारे केस में क्रिमिनल ट्रायल चलना। और मैं हमेशा कहता हूं, हमारे केस में जो पनिशमेंट होता है ना हमारे सिस्टम में, वो कन्विक्शन के बाद नहीं होता, वो जब आप मुक्त कर रहे हो तभी वो पनिशमेंट है आपके लिए। जो 10 साल का जो प्रक्रिया है, 10 साल का जो प्रोसेस है, जो आप केस को झेल रहे हो, वही आपकी असली पनिशमेंट है। पनिशमेंट है उसमें आपके पैसे, आपका मानसिक सुख शांति, सामाजिक रिश्ते, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं इस चक्कर में। तो यदि आपको 10 साल के टॉर्चर नहीं आपको झेलना है, तो आपके तो कोर्ट में भी, हमारे सिस्टम में भी एक उसकी एक रेमेडी है, उसका इलाज है कि आप सेक्शन 482 के तहत सीधे हाई कोर्ट में,
मतलब सेशन कोर्ट में नहीं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं, इन दोनों कोर्टों में आप नहीं डाल सकते हैं। वो केवल मात्र हाई कोर्ट में ही डाल सकते हैं आप सेक्शन 482 का एक एक केस, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि भाई ये जो मुकदमा हमारे खिलाफ जो डाला है, ये मुकदमा टोटली, ये एफआईआर जो है ये टोटली बेबुनियाद है, नंबर वन। टू, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का एक जजमेंट है भजन लाल के केस में 1992 का, खारिज हो सकता है। जैसे मान लीजिए एफआईआर पढ़ने से कोई उसमें दिखता ही नहीं है कि भाई इसमें क्या ऑफेंस है, या एफआईआर पढ़ने से लगता है कि भाई तो पूरा फर्जी है, इसमें तो कोई तथ्य है नहीं, तो ऐसे जैसे एफआईआर रजिस्टर हो गया लेकिन एक पूरा कानूनी प्रावधान है। शायद एक सेक्शन के एग्जांपल से आप बेहतर, आजकल 498 के 80% क्या 90% मामले झूठे ही सर एफआईआर हो रही है। पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा है, सास बहू के बीच कुछ झगड़ा है, घर में छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा हो गया और 498 जैसे किसी ने केस कर दिया कि भाई मैंने इनको 10 लाख रुपए उधार दिए थे, ये चेक के तौर पे उधार दिए थे, इन्होंने पैसे लौटाई नहीं, और उस केस पे उस उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी, आप एक 482 फाइल कर सकते हैं। 482 में आप अपने बैंक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड दाखिल कर सकते हैं कि देखिए एक तारीख को इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे और अगले महीने के 1 तारीख को मैंने यही 10 लाख इनको वापस लौटाया, ये रहे मेरा बैंक का अकाउंट, ये रहा चेक, ये रहा डेबिट एंट्री, ये रहा मेरे बैंक के खाते से ये पैसे कटते हुए और कटते हुए इनके अकाउंट में गया। तो इन्होंने जो कंप्लेंट डाली है जिसके तहत पे, जिसके बुनियाद पे एफआईआर दर्ज हुआ है, ये बेबुनियाद है, ये फर्जी है, ये गलत है और इसको आपको यहीं पे खत्म करना चाहिए। और मुझे ट्रायल के लिए नहीं भेजो, मुझे 5-10 साल ये साबित नहीं करना चाहिए कि मैंने पैसे इनके लौटाए हैं, मैं अभी आपको साबित कर रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट देखने से स्पष्ट हो रहा है कि भाई मैंने पैसे वापस लौटा दिए, तो ये एफआईआर जो है ये खारिज होनी चाहिए। तो जब ऐसे होता है ना, जो जिसमें लंबी चौड़ी बहस नहीं होनी चाहिए, उसका जो टेस्ट है ना कि किन केसों में आप 482 तो हर बार आप डाल सकते हो लेकिन जीतोगे कि नहीं जीतोगे, उसका क्या टेस्ट, वो जीतने का टेस्ट ये है कि लिमिटेड तरीके से कोर्ट एक दो पन्ने देखते ही अगर कोर्ट को समझ में आ जाए कि भैया ये तो केस तो बनता ही नहीं है, उस केस में आप सक्सेस आप पा सकते हो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर सक्सेस नहीं पाओगे। मतलब इंसेप्शन से आपको ये साबित करना पड़ेगा कोर्ट के सामने कि ये जो एफआईआर, ये जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं वो मेरे खिलाफ बिल्कुल झूठे हैं, बिल्कुल रॉन्ग है, और आप इसको खारिज करिए। और ये साबित करने के लिए आपको ट्रायल की जरूरत नहीं, कोई लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं, कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं, जी जी, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए तुरंत, मतलब कुछ पन्नों देखते ही एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इसमें लंबी बहस करनी है या उसमें आपको गवाह लाने होंगे, गवाही गवाह के कोर्ट में अपने जीरा करेंगे, वो सब अगर करना हो तब फिर कोर्ट 482 की स्टेज पे आपको क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। सुनील सर, आप तो सीनियर एडवोकेट हैं और इतना लंबा समय आपका सुप्रीम कोर्ट में भी, 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया, 482 को लेकर हाई कोर्ट का किस तरह का रुख रहता है, थोड़ा सा आपका जो अपना व्यक्तिगत है, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत हमको ये कहते हैं कि साहब 482 वकील साहब ने फाइल तो करा दिया लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिली और फिर हमको दोबारा वहीं से लौटना पड़ा, तो एक ट्रायल कोर्ट ने हमारे खिलाफ एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लिया है कि साहब देखिए आपको तो हाई कोर्ट से भी नहीं रिलीफ मिली, तो इस तरह के मामलों में आप क्या अपने अनुभव से बताना चाहेंगे? ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, जो मैंने एक टेस्ट बताया कि जब आप 482 फाइल करें, यदि 2-4 पन्ने देखने से ही अगर ये बात क्लियर होता है कि एफआईआर में एक बेबुनियाद है, तब आप 482 में फाइल करके आप एक जीत सकते हो 482। लेकिन यदि आपको बहुत सारे दलीलें देनी है, बहुत सारे तकरीर करनी है, आपको गवाह लाने हैं, गवाह जाके एविडेंस देगा, जीरा देगा, उसकी शहादत होगी, उन सब चीजों की अगर आवश्यकता हुई, हो सकता है उन सब करने के बाद आप तब जीत जाएं, लेकिन 482 स्टेज में बगैर वो सब किए हुए फिर आप जीत नहीं पाओगे। 482 क्लियर कर, जैसे मैंने पहले उदाहरण क्या दिया कि भाई मेरे खिलाफ मुकदमा डाला है कि मैंने इनसे पैसे लौटाए नहीं है, ये रहा बैंक स्टेटमेंट, मैंने पैसे तुरंत इनको लौटा दिए, आप समझे। अब लेकिन मान लीजिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए पास मेरे मेरे पास एक मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी मैंने इनसे पैसे तो लिए थे लेकिन मेरे पास हमारे एक और प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को मैंने वहां पे बेचा, बेचने से जो पैसे आए उसमें से 10 लाख मेरे खाते में नहीं आए, 10 लाख उनके खाते में आए, मैं वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स ला सकता हूँ, वो बायर ला सकता हूँ, वो अकाउंट ला सकता हूँ। अब ये सब आप लाओगे तो वह 482 में पॉसिबल होगा नहीं। हाईकोर्ट ये कहते हैं कि देखिए हो सकता है आपके पास एक पुख्ता केस है
लेकिन ये केस को आपको कोर्ट में ट्रायल के बाद ही आप ये साबित कर सकते हो अपनी जो बात आप कह रहे हो, तो इसलिए हम आपको 482 में कोई रिलीफ नहीं दे सकते। आप जाइए ट्रायल में, जाइए ट्रायल के सामने ये सारी चीजें साबित कीजिए और 482 से उस क्रिमिनल केस से आप अपना अक्विटल ले लीजिए। तो ये डिफरेंस कि जरूरी नहीं कि जब 482 डिसमिस होता है आपके पास अच्छा मुकदमा नहीं है या आपका आपकी ग्राउंड्स अच्छे नहीं थे, लेकिन ग्राउंड्स केवल अच्छा होना जरूरी नहीं है। अहम फर्क यह है कि दो टाइप के जो होते हैं ग्राउंड्स, एक जिसमें बगैर कोई ट्रायल किए हुए आप कोर्ट को दिखा सकते हो कि ये तो बेबुनियाद केस है, और दूसरा जिसमें ट्रायल की आवश्यकता है और उसके बाद ही आप साबित कर पाओगे कि मेरे खिलाफ मुकदमा बेबुनियाद है। जी 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 बिल्कुल निश्चित रूप से। और अगर सुनील सर हाई कोर्ट से अगर नहीं रिलीफ मिलती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, जा सकते हैं बिल्कुल। आर्टिकल अनुच्छेद 136 जो है आर्टिकल 136 के तहत आप स्पेशल लीव पिटीशन, एक स्पेशल याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर 482 के लेके आपने जो हमारे दर्शकों के लिए बेहद बढ़िया जानकारी दी और आपने बताया कि किन किन बातों का बेहतर ध्यान रखना होगा। और फिर भी अगर हाईकोर्ट 11 जनवरी 2024 के जिस आदेश के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, दिनेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना और दिनेश गुप्ता जो एक्यूज बनाए गए थे उनकी याचिका में उनकी एफआईआर को खारिज भी किया और जिसने कंप्लेन की थी उसमें 25 लाख का जुर्माना भी किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हाईकोर्ट आपको रिलीफ नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है। सुनील सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक भी जो आपको आपसे सुनना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, निश्चित रूप से आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे लगातार हमारा वेबसाइट और मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, फिर भी सुनील सर से जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में कोई राय लेना चाहे तो निश्चित रूप से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।